लगे हुए हैं ना, छात्रों का भविष्य अधर में है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं हाईकोर्ट के विरोध में? आप लोग कानूनी लड़ाई लड़िएगा, आगे जाइए। अरे लड़ तो रहे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे। जी जी जी, इसी फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। क्या सुधारना है बता दीजिए आप। ऑब्जेक्शन जो है, एक जो कंपल्शन, क्यों नहीं होगा? बंगाल में जो पांचवा पास किया है जी, वही वहाँ के स्थानीय है जी। हम करते कौन गुना करते? बंगाल वाले देख लीजिए स्थानीय नीति, कोर्ट का बात, माननीय उच्च न्यायालय का बात है, हम अपील करेंगे। दादा एक सवाल है उत्पाद नीति को ले। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो देख के आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सरकार की मंशा क्या है। ये अभी जस्ट कुछ देर पहले का वीडियो है। इसमें साफ साफ जगन्नाथ महतो का कहना है कि हम लोग जाएंगे, और बहुत सारे स्टेट में ऐसे नियम बना हुआ है, तो हम लोग जाएंगे और डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर जाएंगे। अब इसमें कुछ संशोधन के साथ जाना है कि नहीं जाना है, उस पर भी डायरेक्ट बोला क्या संशोधन करेंगे आप लोग बताइए। मतलब कि डायरेक्ट वो एक अकड़ थी, उसका मतलब क्या है कि हम लोग जो नियमावली बना हुआ है हम उसी में जाएंगे और अगले बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ये नियमावली चालू है। इसलिए दोस्त अब कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, ठीक है, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ताबड़तोड़ आप लोगों को साथ देना पड़ेगा दोस्त। एक संविधान के दायरे में रह कर ही, लेकिन जबरदस्त आज जैसे कि हजारीबाग देवघर में जितना शानदार तरीके से आज का आयोजन हुआ है दोस्त, अभी आप लोगों को कुछ विजुअल दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ विजुअल दिखाई जा रही है कि जो आज का जो शानदार तरीके से जो हजारीबाग देवघर गिरडी बाकी जो क्षेत्र में है वहाँ पे संचालन किया गया है। और आप सभी से 21 तारीख को जो कि रांची के जो झारखंड का जो दिल है, जहाँ पे सारे मंत्रियों का निवास है, वहाँ पे विधानसभा जो अभी शीतकालीन सत्र चल रही है, वहाँ पे आप लोग को हर हाल में धरना प्रदर्शन पे आप लोग को सम्मिलित होना है। और जबरदस्त तरीका से उस दिन उलगुलान किया जाएगा दोस्त। कहा जाता है ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कहने का मतलब है कि आप लोग का आखिरी दम तक लड़ना है दोस्त, सरकार का जो मंशा है उसको हर हाल में नेस्तनाबूद कर देना है, नहीं तो वो घमंड के चूर में वो छात्रों की जिंदगी बर्बाद करने में कहीं पीछे नहीं चलेंगे। और आज का जो हजारीबाग देवघर गिरडी के छात्रों ने जितना मेहनत किया है, जितना शानदार तरीके से आज का जो विरोध प्रदर्शन रहा उसका कुछ झलक आप देख सकते हैं। कुछ आगे और विजुअल से उसको हम लोग देखते हैं दोस्त, जिसमें मनोज दा का कुछ भाषण है उसको भी देख लेते हैं। ये बोला कि 1932 का घटिया
बाहरी नौकरी नहीं करेगा तो झारखंड यो नौकरी नहीं करेगा। अधिकारी भी बदलो, शिक्षा मंत्री बदलो और मुख्यमंत्री बदलो। एगो घर में कहावत है हम लोगों का कि हमहू बदलो बाबा तुहू बदलो और जरा से बिया हजार बाबा वह बदलो और यह हाल ही करके दिखा दिया। अभी जो है हम कुछ नहीं कहते हैं, हमको 1932 का खतियान ये लोग बोलता है सब बड़ा बड़ा जो आप जो हर जात्रा निकाले और उनका पहले बोलते हैं मुर्गी पालो सुअर पालो बकरी पालो कहेगा। ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनको पता था कि नियुक्ति नियोजन नियुक्ति नहीं रहेगी, इसलिए मुर्गी ये पालो। आपको पूछते हैं सब अभी तो एक मीडिया के बंधु हमको बोले कि ये आप मनोज जी सबको नियुक्ति देना अनिवार्य है। हम बोले रे अंधरा सबका नियुक्ति हम थोड़े मांग रहे हैं, तोरा क्या मीडिया वाला बनाया रे। ये आप लोग ने देख ही लिया है क्या स्थिति चल रही है। तो आप लोग से बस यही उम्मीद है कि आप लोग 21 तारीख को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करिएगा और सरकार का जो लोन कैटेगरी के जो मानसा है और जो यहाँ का जो यहाँ का जो शासक लोग का जो मनसा है दोस्त, यहाँ पे जो आईएएस लोग का मनसा है, सारा कोई का मनसा है कि यहाँ का जनता को गुमराह करके रखना, यहाँ का छात्र को गुमराह करके रखना और किसी की जॉब नहीं देना और मलाई खाना। ठीक है दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करना है, वीडियो लंबा हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।